कॉन्टेक्ट लिस्ट चला जाता है उसके पास। हाँ, तो उसके पास नंबर अभी है? मैंने तो अभी 2-3 दिन में घर का नंबर सब कुछ डिलीट कर दिया, उसके पास रह जाएगा। हाँ, उसके पास तो है ना पहले से। देखिए, बात आपको बता रहे, जब आप लोन के लिए अप्लाई किए होंगे ना, जब तो उसी घड़ी मतलब कि सारा ले लेता है सब, जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है सारा ले लेता है सब, उसके बाद आपको लोन देता है सब, विजिट करता है सब। देखिए, आपके एरिया में यदि 100 लोग या 50 लोग, 50 लोग समझिए आप, 50 लोग मतलब कि आपके एरिया में इसी एप्लीकेशन से, सेम एप्लीकेशन से लोन लेकर रखे हैं और उन्होंने मतलब कि पैसा नहीं दिए हैं आप ही की तरह, ठीक है, तब मतलब कि आता है सब, घर घर आता है सब। ये नहीं कि एक के लिए मतलब कि गांव में नहीं जाएगा सब, अब एक के लिए अर्बन एरिया में रह रहे होंगे तब पर भी नहीं जाएगा सब। मान लीजिए हम कोई सिटी में रहते हैं किसी, तो देखिए बात ऐसी है ना कि अगर पैसा नहीं देने पर सिविल स्कोर खराब करता है सब, ठीक है, ये पहले हम बता दे रहे हैं। इसको तो खराब हो जाएगा, तो मेरे को भी मालूम है, क्यों मैं देखता हूँ तो देखिए, इसका अगर आपको टेंशन नहीं है तो पेमेंट मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा जो जिस टाइम मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर थे बहुत, लेकिन मैं अब सब कुछ डिलीट कर दिया, उसके पास वो नंबर की अभी तक है। देखिए, जब आप लोन लेते हैं तो उसी टाइम में मतलब कि उसके पास सारा नंबर डिटेल आपका चला जाता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट चला जाता है उसके पास। हाँ, तो उसके पास नंबर अभी है? तो मैंने तो अभी 2-3 दिन में घर का नंबर सब कुछ डिलीट कर दिया, उसके पास रह जाएगा। हाँ, उसके पास तो है ना पहले से। देखिए, बात आपको बता रहे, जब आप लोन के लिए अप्लाई किए होंगे ना, जब तो उसी घड़ी मतलब कि सारा ले लेता है सब, जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है सारा ले लेता है सब, उसके बाद आपको लोन देता है सब। कोई भी इंस्टेंट लोन वाला होता है सबका, यही मतलब कि नियम है, फेक हो गया या एनबीएफसी हो गया। और ये प्रॉब्लम होगा, घर में आएगा क्या? देखिए, लोकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये भी हम नहीं ये बोल रहे हैं कि घर पर नहीं आएगा, घर पर भी आ सकता है, लेकिन लोकेशन पर सारा कुछ डिपेंड करता है और आप पर भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे बात करते हैं कैसे नहीं बात करते हैं उससे। मैंने मेरा तो अभी तक फोन नहीं किया, वो पहले लिया था, पहले एम पॉकेट से शुरू किया था, 2 साल से एम पॉकेट का ही लोन लेकर इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ये भी लेता हूँ, वो भी लेता हूँ। अभी तो इतना लोन ले लिया, अभी पैसा पूरा खत्म हो गया। अभी मैंने सोच रहा हूँ कैसे रिकवरी, पैसा कैसे दूँ इसको, बहुत प्रॉब्लम हो गया अभी। तो इसमें वही है जो आपको बताया ना, वही सिलसिला इसमें भी लागू होता है। अर्बन एरिया में है कि रूरल एरिया में है आप? मेरा घर वेस्ट बंगाल में है, वो शायद नहीं जाएगा उतना दूर, गांव में गांव में है, गांव में है तो नहीं हमारे जाएगा। शहर में रहता है तो थोड़ा टेंशन हो जाती है कि शहर में, अर्बन एरिया में थोड़ा टेंशन हो जाती है, लेकिन गांव में मतलब उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। नहीं, अभी मैं बेंगलोर में हूँ, तो इधर भी आ सकते हैं। ना ना, उधर नहीं आएगा, जो आधार कार्ड पर जो आपका डिटेल है ना वहीं पर जाता है सब। तो घर शायद नहीं जाएगा, क्योंकि मुंबई, कोई कोई ऐप मुंबई रजिस्टर है, मुंबई से इतना दूर नहीं आएगा अब हाँ तो घर के हाँ लिए। हाँ वही ना। और दिखाए, मैं बेंगलोर में भी ब्रांच है, लेकिन मेरे को यही डर लग रहा है, घर में जाएगा या मेरे इधर लोकेशन ट्रैक करके आएगा क्या? लोकेशन वोकेशन ट्रैक नहीं करता है सब, ठीक है ना, वो सब कुछ भी नहीं करता, जो आप सोच रहे हैं ना वो सब कुछ नहीं करता है सब, केवल आधार कार्ड पर जो आपका डिटेल है वहीं पर मतलब कि विजिट करता है सर, विजिट करना होगा तो। हाँ, ज्यादा ही ले लिया, और देखिए ज्यादा आपको भी बता नहीं। देते हैं और किस टाइम में विजिट करता है सर। देखिए, आपके एरिया में यदि 100 लोग या 50 लोग, 50 लोग समझिए आप, 50 लोग मतलब कि आपके एरिया में इसी एप्लीकेशन से, सेम एप्लीकेशन से लोन लेकर रखे हैं और उन्होंने मतलब कि पैसा नहीं दिए हैं आप ही की तरह, ठीक है,
तब मतलब कि आता है सब, घर घर आता है सब, ये नहीं कि एक के लिए मतलब गांव में नहीं जाएगा सब। अब एक के लिए अर्बन एरिया में रह रहे होंगे तब पर भी नहीं जाएगा सब। मान लीजिए हम कोई सिटी में रहते हैं किसी लोकेशन पर, हमारे लोकेशन पर केवल हम ही लोन लिए हैं, ठीक है, किस्त एप्लीकेशन से केवल हम ही लोन लिए हैं, तो हमारे लिए दौड़ कर नहीं आएगा सब। अब बताइए कि 5-6 हज़ार जितना का लोन नहीं दिया होगा उतना का उसका पेट्रोल जलेगा, ठीक है, आने जाने में उसका उतना पेट्रोल जलेगा, ऊपर से मतलब कि उसको रिकवरी एजेंट को पैसा दो, उसको पैसा दो, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उस कंडीशन में आता है सब, ज्यादा वसूली करना रहता है ना, उस कंडीशन में आता है सब, नाम हम सारा लिस्टेड ले लेता है सब, और घर घर मतलब कि घूमता है सब, आप ही के एरिया में घर घर घूमेगा सब। फोन तो डेली तो फोन बहुत आते हैं क्योंकि, हाँ डेली देखिए डेली तो फोन आता ही है हमारे पास, हम भी लिए हैं तो हमारे पास भी डेली फोन आता है, तरह तरह का नंबर से आता है, मैसेज भी आता है कि आप पेमेंट कर दो ना तो आपका सिविल स्कोर खराब कर दिया जाएगा, तो यही सब समथिंग मैसेज आते रहता है, आते रहता है, ठीक है, समझ गया ना। और अभी तो अभी दूसरा कोई लोन ऐप है क्या? देखिए आप लोन आपको नहीं देगा सब, जो इंस्टेंट एप्लीकेशन से आप ले लिए हैं सब एक ही है, ठीक है ना, जितना एप्लीकेशन है सब एक ही एप्लीकेशन है, सब एक ही साथ जुड़ा रहता है सब। हाँ तो आपको सब रिजेक्ट करेगा सब? नहीं, मैंने एक बार भी रिपेमेंट ऐसा नहीं हुआ जो रिपेमेंट नहीं किया, डेट भी रिपेमेंट कर देता हूँ, लेकिन अभी 5 तारीख के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा सबको, 5 तारीख के बाद। देखिए और एक बात आपको हम बता देते हैं कि सिविल स्कोर तो मतलब कि ऐसे तो खराब हो ही गया है, ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि पैसा देने के बाद भी सिविल स्कोर उतना ही हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, हमने देखा है, बहुत जनों को देखा है जो मतलब कि लोन लिए थे और पैसा दे दिए, उनके बावजूद भी उनको लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका सिविल स्कोर डाउन कर दिया है, इसलिए बोल रहे हैं कि आपका ज्यादा अमाउंट हो गया है तो इससे अच्छा है कि पैसा मत दीजिए, सिविल स्कोर तो अच्छा होगा नहीं, दोबारा तो आपको लोन मिलेगा नहीं, तो क्यों अपना झूठ-मूठ का जो भी पैसा बचा कुछ है उसको भी वेस्ट करें, समझ रहे ना। ठीक है हाँ वही बोलना चाहते हैं, बहुत टेंशन हो रहे थे, उसके बाद आपका वीडियो देखा तो उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके चला गया। देखिए बात ऐसी है ना कि पहले जो हमारा चैनल था टेक्निकल जी पर, उस पर हम डायरेक्टली बोलते थे कोई भी चीज, आप पहले आप देखते होंगे या नहीं देखते होंगे तो हम आपको बता देते हैं, वो तो चैनल चला गया, कोई प्रूफ नहीं बचा है, उस पर सारा कुछ था कि हम डायरेक्टली बोलते थे, और इस पर क्या है कि उतना ज्यादा डायरेक्टली अपने चैनल पर नहीं डालते हैं क्योंकि अब बताइए कि हम डायरेक्टली डाल देंगे तो केस फाइल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, फिल्म से भी ये चैनल जाएगा, तो इसीलिए हमको भी अपना देखना है और जनता को भी देखना है, समझ रहे ना। हाँ दोनों को मतलब कि फायदा होना चाहिए, हमको भी फायदा होना चाहिए और जनता को भी, पब्लिक को भी फायदा होना चाहिए, इसीलिए हम इंस्टाग्राम पर ये सब बोलते हैं, ठीक है। हाँ वहां पर यूट्यूब पर नहीं बोलते ना, तो यूट्यूब पर क्या है ना कि सब लोग अपना अपना विचारधारे वाले लोग है, ठीक है। देखिए सब देखिए एक बात के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि मतलब निकल जाता है, समझ रहे हैं ना, कुछ भी ऐसा बात बोल दीजिएगा ना तो बहुत ज्यादा। मान लीजिए कि देखिए आप ही के घर पर कोई पुलिस आ जाएगा सब, आप मतलब किसी सोसाइटी में रहते हैं, आपके घर पर अगर पुलिस आ जाएगा सब तो ये नहीं सोचेगा सब कि आपका पुलिस दोस्त है या चाय पीने के लिए बुलाए हैं या मतलब कि आपके अंकल है, कोई सोचेगा, जानते हैं क्या सोचेगा, सोचेगा कि चोरी किया होगा, कंप्लेन आया होगा इसके घर, कोई सोचेगा कि मतलब कि जेल जा रहा होगा किसी वजह से, तरह तरह का मतलब कि माइंड सेट हो जाएगा, निगेटिविटी जो नहीं रहता है माइनस, तो सबका दिमाग माइनस चलेगा, पॉजिटिव नहीं चलेगा, ये नहीं सोचते होंगे कि इसका दोस्त भी होगा या मतलब कि घर के रिलेटिव होंगे पुलिस में, वो आएंगे होंगे इनके घर पर, तो सारा निगेटिविटी फैल जाता है सब, ठीक है, वहीं से बदनामी शुरू। तो इसीलिए कभी भी मतलब कि जहां पर पब्लिक प्लेस है वहां पर मतलब कि डायरेक्टली कोई भी चीज नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए, डायरेक्टली आप बोलते हैं तो मतलब कि
सब अपना अपना दिमाग का विचारधारा वाला लोग है, कोई कुछ ना कुछ अब मतलब निकाल कर कट कर कर एडिट कर कर वही मीम के तौर पर चलाता है सब, ठीक है ना। अभी तो मैसेज आते हैं बहुत, लोन ऐसे लोन ले लो ऐसे ऐसे मैसेज आता है। कौन एप्लीकेशन से? फ्रॉड एप्लीकेशन से कि एनबीएफसी से आता है? एनबीएफसी से भी तो आता है। अच्छा, अभी तक लेट नहीं किया ना? कितना दिन आपका कितना दिन आपका ड्यू चल रहा है, कितना दिन लेट चल रहा है ये सब? अभी नहीं चल रहा है, 5 तारीख को यही ना, उस महीने में 5 तारीख को आपका रिपेमेंट करने का डेट है, यही बोलना चाहते हैं ना? हाँ, तो हाँ तो देखिए आपको हम बता दिए तो यही मतलब कि सारा नियम लागू होता है, जो आपको बताया सारा रियलिटी बताए, कोई फेक नहीं बताया कि मतलब कि पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका सिविल भी बचा रहेगा और ये भी होगा, सारा कुछ बता दिए किस कंडीशन में एजेंट आते हैं किस कंडीशन में नहीं आते हैं, ठीक है। वो लोग एक बात बोलना चाहता हूँ, वो लोग जब पेमेंट नहीं करूंगा तब तो डेली देखिए डेली दिन का, देखिए डेली दिन का 60 रुपया 70 रुपया जो भी है ऐसा ही मतलब कि बढ़ाते जाएगा सब, ठीक है। हाँ ऐसे ही बढ़ाते जाएगा सब और आपको ऐसे ही करते जाएगा सब। जी क्या क्या बोल रहे हैं, किस एप्लीकेशन के बारे में? नहीं नहीं सब सबको 2 साल से पेमेंट नहीं किया तो क्या कुछ होगा क्या? ना ना कुछ नहीं होगा, देखिए वही ना आपको बताएं होगा क्या, बस सबका सिविल स्कोर खराब होगा और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दोबारा लोन नहीं मिलेगा? हाँ दोबारा आपको लोन नहीं मिलेगा। वो डे चाहिए भाई और दोबारा वो बहुत परेशान हो गए लोन लेकर। पहले लिया था पे पॉकेट से, एक बार ओवरड्यू था, उन्होंने फोन दिन बाद करके एक बार ये फोन करते एक बार लड़की के देखा फोन करते बहुत फोन करके करके परेशान किया है। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम करके दोस्त के पास से पैसा लेकर ये किया था। तो वही वही बात है, वही बात है कि मतलब कि दोबारा आपको लोन नहीं मिलेगा सब, दोबारा मतलब कि कोई भी ट्रस्ट आप पर नहीं करेगा सब। बाकी बैंक से आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक से मिल जाएगा, उसका नियम कानून अलग रहता है, बैंक वाला चीज अलग चीज है, ठीक है। बैंक से लिया है, बैंक से दे दिया लेकिन उसका एक साल का ये है, वो धीरे धीरे करके दे रहा हूँ। बैंक से मिल जाएगा ना? हाँ बैंक से मिल जाएगा, बैंक से आपको लोन मिल जाएगा इजीली, आपको बैंक से मिल जाएगा। और वो ऑनलाइन ऐप से नहीं मिलेगा? ना ना उससे नहीं मिलेगा आपको। चलिए और सब ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक। तो गाइस देखिए इनको हम बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक और के पास हम फोन लगाते हैं और फोन आया था उनका, तो इनसे हम बातें कर रहे थे इसीलिए हम नहीं उठा रहे थे। देखिए लगाए हैं रिंगिंग। हाँ हेलो हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्कार। आप मुझे बताइए जो क्रेडिट का है वो भी फेक ही है कि वो जेन्युइन है सर? देखिए क्रेडिट भी एनबीएफसी है, ठीक है। अच्छा सर। और इसके बारे में बता देते हैं पहले कि देखिए इसका क्या रूल है कि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। अच्छा सर। हाँ और रही बात कि मतलब कि और बता देते हैं कि एजेंट कब आते हैं, एजेंट उस तौर पर आते हैं कि मतलब कि आपका ड्यू ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अच्छा सर।
और ऊपर से आपका लोकेशन पर भी मतलब कि वैरी करता है कि आप अर्बन एरिया में रहते हैं या दी रूरल एरिया में रहते हैं। और ऊपर से ये भी होता है कि आप अपने एरिया में आप ही लोन लिए हैं क्रेडिट से, या मतलब कि और भी व्यक्ति है कि जो लिया है, मिनिमम 50 होना चाहिए, ठीक है ना? मिनिमम 50 होना चाहिए आपके एरिया में, हाँ, लोन लेकर बैठे हैं जो रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं। तब आता है सब, लिस्ट लेकर आता है सब, और घर घर जा जाकर पैसा मांगता है सब। एक के लिए दौड़ कर नहीं आएगा सब, ठीक है ना? कोई भी देखिए, कोई भी रिकवरी एजेंट होता है, एक के लिए दौड़ कर नहीं आता है सब। उसमें मतलब सिंबल स्कोर पे फर्क पड़ जाता है कि मतलब हाँ, उस पर फर्क पड़ जाता है, उस पर हो जाता है, वो डाउन कर देगा। ठीक है सर। हाँ, और दूसरा जो है वो पता नहीं स्टैनफिश की है वो। हाँ, वो भी एनबीएफसी है, वो वाला वो भी एनबीएफसी है, वो भी एनबीएफसी है। हाँ, अच्छा। देखिए, आप जाकर देखिएगा ना, पेटीएम में, देखिए पेटीएम में, पेटीएम यूज करते हैं ना बैंक, जिस बैंक से रजिस्टर होगा जाकर देखिएगा ना, सब सिविल पर चढ़ाया होगा, सब वहां पर शो कर रहा होगा, ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, पेटीएम में जाकर देखिए ना, वहां पर शो कर रहा होगा। हाँ हाँ, बोलिए। वो आवाज कट गया था, नेटवर्क चला गया था। जी, चलिए, और सब ठीक है? तो इनका नेटवर्क खराब है, कॉल इनका डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए, जो भी हम वीडियो में ये बात बोल रहे हैं सारा मतलब कि वैरी करता है, लागू होता है। तो सोचे कि जैसे पहले हम कैसे बात करते थे कॉल पर, सारा लाइव रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी सीरियसली है, जो भी रियलिटी है, वैसा ही सारा कुछ। तो वैसे ही हम चालू कर दिए भाई, पहले जैसा, ठीक है ना? ये मत बोलिएगा कि मतलब कि कोई भी मतलब कि ऐसे बिना बात सुने कुछ भी हम बना दे रहे हैं वीडियो। तो जो आप लोग पूछ रहे हैं वही हम जवाब दे रहे हैं, वही हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सबसे बढ़िया यही है कि जो भी आपका मन में डाउट है डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, टेक्निकल जी पर हमारा इंस्टाग्राम है भाई, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना? आपको देखिए, जो भी लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कैसे आपसे करें, देखिए भाई हम नंबर वंबर नहीं देते हैं, नंबर देंगे तो आप समझ रहे हैं, खाना पीना सोना मतलब कि जागना हमेशा पड़ जाएगा, दिन भर फोन आएगा, साइलेंट में कर कर बैठना पड़ेगा भाई। तो हम इंस्टाग्राम दे देते हैं, इंस्टाग्राम हमारा यही चैनल है, टेक्निकल जी पर इसी नाम से है, यही हम दे देते हैं। और आपको ज्यादा और ज्यादा एथी करना है तो फेसबुक पर भी आ सकते हैं, टेक्निकल जी पर फेसबुक अभी क्रिएट करने वाले हैं, अभी मत आ जाइएगा, जो पहले वाला था वो तो हैक कर लिया, तो अभी क्रिएट करेंगे, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में उसका, लेकिन इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। चलिए, एक और के पास कॉल लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, देखिए कॉल लगा लगा कर पूछेंगे तो सबका सोल्यूशन हल होगा, जो भी मैसेज का तो भाई रिप्लाई इतना ज्यादा, बताइए इतना ज्यादा मैसेज का कोई रिप्लाई होगा? डायरेक्टली कॉल पर सारा कुछ मतलब कि बातचीत हो जाता है, इसीलिए मैसेज में थोड़ा झोल झपाटा सा पड़ जाता है कि कितना मैसेज टाइप करते रहे, कितना आप टाइप कीजिएगा, पूछते रहिएगा, तब तक दूसरे का मैसेज, तब तक तीसरे का मैसेज, चौथे का मैसेज, पांचवें छठे का मैसेज, ऐसा ही आता रहेगा। तो इसी में मतलब कि ध्यान इधर उधर हो जाता है, वीडियो बनाए कि मैसेज देखे, इससे अच्छा है, सबसे बढ़िया यही है कि बात करते रहे, वीडियो डालिए। चलिए, ये इनका डिस्कनेक्ट हो गया, इनका भी। चलिए भाई, कॉल लगा लगा कर पूछ रहे हैं, कॉल लगाइए यहाँ पर, देखिए कौन उठा रहे हैं भाई साहब, कौन नहीं उठा रहे हैं। तो पूरा लास्ट तक आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, पूरा लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिएगा, जब तक कैमरा में बैटरी है तब तक वीडियो चलेगा भाई, 20 मिनट हो जाए, 25 मिनट हो जाए, 30 मिनट हो जाए, तब तक चलेगा। बस आपको यही करना है, पूरा कंप्लीट तक वीडियो को देखना है, वॉच करना है। तो पूरा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, ये नहीं कि मतलब कि आप अधूरा कोई भी वीडियो देखा कीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, पूरा लास्ट तक। और कोई भी प्रॉब्लम है हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, उतना YouTube पर अगर खुल कर नहीं बोलते होंगे तो समझ रहे हैं हम क्यों नहीं बोलते होंगे YouTube पर खुल कर, उतना बोलेंगे तो दोबारा से फिर कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो नहीं चाहते कि भाई
ये सब झमेला में हम पड़े, ये सब मतलब कि कोई में चीज पड़े हम। अब बताइए, वो चैनल हमारा 2 साल पुराना चैनल था, जितना भी सब्सक्राइबर हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 6,000 हो, 1,000 हो, लेकिन मेहनत मेहनत होता है भाई, 2 साल का मेहनत मेहनत होता है। तो बताइए को, देखिए कैसे आजकल ये सब सिलसिला कर रहा है, सब सब पैसा दे देकर चैनल डिलीट करवा रहा है, सब आपको बता दे रहे हैं। देखिए उसमें मान लीजिए कि एक मान लीजिए कोई भी यूट्यूब है तो उसमें जॉब ऑफिस रहता है, गूगल में भी कोई लोग काम करते होंगे, तो देखिए उठा लेते हैं। हाँ भाई बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए भाई, वंदे मात कॉल कब लगाया है? हाँ 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 सोचे बिजी थे भाई ना उस घड़ी, क्या थे कि मैसेज हम देखते थे, कॉल पर उतना हम नहीं करते थे, अब सोचे कि कॉलों पर अब किया जाए, अब पहले के तरह चैनल भाई रोज देखते हैं आपका। हाँ 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 उठा लिया करो भाई। आप रोज उठेगा फोन, ठीक है? हाँ अब रोज फोन उठेगा, आप उठा लेते थोड़ा बस। तो 7 महीने से आप पे नहीं किया, तो आपके घर पर एजेंट वेजेंट आए कि नहीं आए? नहीं ना, देखिए एजेंट, देखिए हाँ देखिए एजेंट जानते हैं किस तौर पर आता है सब, एजेंट आपको बता रहे किस तौर पर आता है सब, ठीक है? देखिए आपने एरिया में 50 व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं मिनिमम 50 लोग, ठीक है ना, मिनिमम 50 लोग यदि लोन लिए हैं वो रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, उस एरिया में घर घर आकर मतलब कि वसूली करता है सब। अच्छा। हाँ यदि अपने एरिया में 1 है 2 है उसके लिए नहीं आता है सब, 10-15 के लिए नहीं आता है सब। अब इतना के लिए आएगा उतना उसका तेल जड़ जाएगा, उतना कोई नहीं देगा, उसमें पीटेगा, समझ रहे हैं ना? हाँ तब तो वो तो ठीक है, तो एजेंट आते हैं किसके साथ आते हैं? 1-2 आते हैं के? 2 आता है सब, 1 आता है, 2 आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है सब। आएगा सब, बोलेगा कि पैसा दो, यही सब करेगा सब। अच्छा हमें ही बताओ, जैसे पहले पहले तो हम जैसे रिंग से लिए, रुपी रेडी सुना आपने? रुपी रेडी? हाँ रुपी रेडी सुने हैं हम। रुपी रेडी और लोन फ्रेंड से लिए थे, क्रेडिट भी से लिए थे, स्मार्ट कॉइन से लिए थे, और ट्रू बैलेंस का तो चुका दिया, ये सब का अब 3-4 ऐप का बचा, जैसे रिंग का बचा। पहले तो हमारी बात दिल में कॉल आता था। हाँ 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 एक बार क्या हुआ, रात के 11-12 बज रहे होंगे, अच्छा किसी का कॉल आया अननोन नंबर का, ठीक है, तो कभी नहीं आया, जब से लिया तब रात में कभी नहीं आया, अननोन नंबर का कॉल आया। हमने कहा आपकी, हमने यही बोला कि लोन चुका दो, हमने कहा ठीक है, हमने कहा आपकी हम इतनी रात में कॉल करने की हिम्मत की, अब वो गाली देना स्टार्ट, अच्छा वो गाली देना स्टार्ट कर दिया, हाँ क्या वो गाली देना स्टार्ट कर दिया अचानक? हाँ अचानक से, कुछ सुना ही नहीं है। हो अब क्या करता भैया, हमें तो ये लगता, अब देखना वो अचानक से स्टार्ट कर दिया कि लोन चुका फलाना दिखाना ऐसा वैसा। हाँ 10-15 दिन बाद फिर आया। हो ठीक है। हाँ 10-15 दिन बाद फिर आया, हम पूछते ऐप का नाम तो बताओ, कौन सी ऐप से लिया, हम चुका देंगे। तो ऐप का नाम नहीं बताता, सीधा गाली, वो मैं इससे बोल रहा हूँ फलाना दिखाना, सीधा गाली ग्रोस करता, ठीक है। तो हमने भी गाली ग्रोस करी, हमने भी गाली दी एकदम से, हमने भी पकड़ दी, हमने कि भैया ऐप ऐसे कैसे चुका रहे, हमने कि ऐप का नाम तो बताओ तब तो हम चुका पाएंगे। फिर ऐसे 10-5-6 दिन बाद फिर आया, रात में कभी 7 बजे कभी 7:30 बजे, तो फिर कुछ नहीं, थोड़ा बोलेगा हेलो अंकित जी बोल रहे हैं, हमने की हाँ अंकित जी बोल रहे हैं, तो कहने लगा वो कर देंगे ऐसे कर देंगे फलाना ढिकाना लोन दे दो ऐसा वैसा, फिर हम गाली गलौज स्टार्ट कर दी, हमने भी गाली गलौज स्टार्ट की, फिर एक दिन तो इतना आ गया कि हम खुद लगा लगा के गाली दे रहे थे उसको। हमने की बिगाड़, जो बिगाड़ रहा वो बिगाड़ ले, तुम्हें जो करना वो कर ले, तुम्हारा लोन नहीं मिल रहा। अब क्या हुआ, कल परसों आया कॉल, ठीक है,
कर देंगे, ऐसा वैसा, मैंने कि तुम धमकी क्यों दे रहे, कल लो ना जो 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 वो कार पाना। तो हमें कहना चाह रहे भैया, पहले तो हमारे पास कभी ऐसी गाली गलौज वाले फोन आते नहीं, लेकिन अब क्यों आने लगे? देखिए अब इसलिए आने लगा कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है। देखिए जानते हैं आपका डाटा कहाँ शेयर करता है सब, ये हाँ थर्ड पार्टी है जो फ्रॉड एप्लीकेशन में वर्क नहीं करता था सब, फ्रॉड एप्लीकेशन पहले जो हम वीडियो बनाते थे उसी के पास डाटा शेयर करता सब, और बोलता है कि इनको टॉर्चर करो, ब्लैकमेल करो, हेरेस्ट करो। तो देखिए हम तो लोग ठहरे मतलब कि सख्त दिल स्ट्रोंग आदमी, ठीक है, मजबूत, जमीन से जुड़े हुए, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए। अब समझिए कि जो शहर का लड़का है सब, जो शहर का लड़की है सब, वो तो देखिए गांव का जो होता है सब, जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है वो डरता नहीं है, ठीक है ना। जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं रहते हैं वो, उनको ताली भी बजा दीजिएगा ना वहां पर है, तो डर के मार भागेगा वहां पर, ठीक है ना। एक और कीजिएगा तो हाँ तो वही सब सारा सिलसिला करता है सब, वही जो आपको बोले ना वही करता है सब। सोचा होगा ये भाई इनका दो मतलब कि पैसा नहीं दिया, अपना बदला निकलवाने के लिए कॉल मैसेज खूब करवाता, अरेस्ट करवाता है तब। तो पता नहीं, हमें लगता है कि इन लोगों ने पता है ऐसा नंबर ले लिया हो हमारा, ये भी एक बार जैसा है चाहे आज के वीडियो हो या और किसी वीडियो हो, उनकी देखते रहते, किसी जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने कमेंट किया होगा, मैंने अपना नंबर डाल दिया था उधर यूट्यूब पर, जो कमेंट में नंबर डाल दिया था, हो सकता है हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नंबर आप प्राइवेट पब्लिक कर दिए हैं तो कुछ भी कर सकता है नंबर से तब। हमने ये देखे तो ये कहाँ से करते, उसमें आ रहा था उत्तर प्रदेश ईस्ट, कभी एक का आ रहा था दिल्ली। देखिए वेबसाइट कॉलिंग करता है सब, ठीक है ना, वेबसाइट कॉलिंग वो सब सारा कुछ करता है सब, वही वही से सारा होता है कि उधर से फोन लगाएंगे तो नहीं लगेगा, उधर से लगेगा। भैया लेकिन अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, मतलब उनने हमारी फोटो मतलब किसी के साथ शेयर की हो या किसी को फोन किया हो, तीसरे हमारे ये सब नहीं हुआ अभी तक, किसी को कॉल किया हो तो मतलब ऐसा हमें मतलब हो सकता हो मेरा डाटा नहीं हो उनके पास, फोटो वोटो ना हो। हाँ वही ना तो लेकिन अपन जो एक्सेस करते भैया एक्सेस टू नहीं, तो पूरी डाटा नहीं जाती है सब, केवल कॉन्टेक्ट लिस्ट जाता है सब, ठीक है। अच्छा हाँ, जो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट है केवल वही जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं जाता है। जो अपने मन में आप सोच कर रखे हैं कि और कुछ भी चला जाता है भाई, वो सब कुछ भी नहीं जाता है, केवल कॉन्टेक्ट लिस्ट जाता है और कुछ भी नहीं जाता है उसके पास। अच्छा, तो ये लोग फोटो वायरल करते हैं, कैसे करते हैं? फोटो कहाँ वायरल करेगा आप ही बताइए, कोई कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, कोई मतलब कि स्टार है, समझिए आप बताइए कि मतलब हाँ फोटो वायरल मतलब बहुत छोड़ हाँ रिश्तेदार में भेज देते, कॉन्टेक्ट में भेज देते, वो कौन सी फोटो होती? वही ना आपका फोटो एडिट कर कर भेजता है सब, वही सब ना सेल्फी वाला फोटो। वो फोटो कहाँ से आती होगी? वो जब अपन सेल्फी लेते इसलिए। हाँ हाँ वही वाला सेल्फी वाला फोटो, और कुछ कोई और कोई भी फोटो उसके पास नहीं रहता है। तो भाई इन लोग के पास कॉन्टेक्ट कैसे चले जाते हैं? एक्सेस टू ऑल कॉन्टेक्ट करते तो क्यों ऐसा क्यों करते ये लोग, एक्सेस टू ऑल कॉन्टेक्ट इनके पास चले जाते? ये सब सारा कुछ हैक करता है सब, अब वही ना जाने ये क्यों ऐसा करता है सब, लेकिन वही चीज करता है सब, समझ गए। ये देखिए देखिए बात आपको बता देते हैं, बात बता देते हैं कि कॉन्टेक्ट लिस्ट क्यों लेता है सब। ये इसलिए लेता है सब कि आप यदि लोन नहीं चुकता करते हैं तो धमकी दे सके और उनके कॉन्टेक्ट पर भेजे, और मतलब कि अपना डर या शर्म लाज के कारण उनको पेमेंट करे, ठीक है, इसलिए सब सारा कुछ काम करता है सब। हाँ हाँ बोलिए। जैसे ठीक है हमने इनका पैसा चुका दिया, फिर बाद में दिक्कत तो नहीं करेंगे? ना ना बाद में दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा चलो, और सब बढ़िया भैया।
सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। यूट्यूब यूट्यूब पे वीडियो बहुत अच्छी डाल रहे हाँ 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 यूट्यूब में तो डाल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, 2 साल का जो मेहनत था वो चला गया। आप